बिग बॉस 17 के घर में हुआ इम्यूनिटी टास्क में भिड़े अभिषेक और ईशा। ईशा ने मारा अभिषेक को धक्का, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक चिल्लाए ईशा पे और हुई इन दोनों में बड़ी बहस। क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 17 के घर में जहां अभी तक सबसे कम टास्क हुए हैं, और इस बार कुछ मजेदार टास्क के साथ आए हैं बिग बॉस, जिसका सीधा सीधा फायदा कंटेस्टेंट को मिलने वाला है। दरअसल ये इम्यूनिटी टास्क है और इसमें बिग बॉस का घर बदल गया है महल में। जी हाँ, वहीं सभी घर में यानी कि सभी मकान में से एक सदस्य सामने आएगा। तो वहीं दिल वाले कमरे से नील भट्ट को चुना गया, तो दूसरी ओर दम वाले कमरे में हो गई फाइट, जिसके बाद दम वाले कमरे से कोई भी सामने नहीं आया। तो वहीं दिमाग वाले कमरे से बिना झगड़े के अरुण सामने आ गए, जिसके बाद नील और अरुण में इम्यूनिटी टास्क को लेकर हुआ टास्क शुरू, जहां पर ये दोनों बने थे इस महल के राजा, तो वहीं बाकी बने हैं प्यादे। इसी टास्क के दौरान अभिषेक और ईशा में भयंकर फाइट देखने को मिली है, जहां पर ईशा अभिषेक पे चिल्लाते हुए नजर में आती है कि तुम्हें कोई भी टास्क खेलना नहीं आता, तुम सब में चीखना चिल्लाना यही करते हो, जिसके बाद अभिषेक भी ईशा पे चढ़ जाते हैं और ईशा अभिषेक को धक्का मारते हुए नजर में आती है। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार ईशा अभिषेक को धक्का मारती है। उसके बाद दूसरी तरफ से समर्थ भी आ जाते हैं अभिषेक को पीछे करने के लिए। वहीं इस टास्क में खानजादी संचालक बनी है, जिन्होंने अभिषेक को टास्क से डिस्क्वालीफाई तक कर दिया था, क्योंकि अभिषेक बार बार प्यादे को फेंक दे रहे थे, लात से मार दे रहे थे, और उनका कहना था कि मैं टास्क को रद्द करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही फिलहाल में धक्का मारने की वजह से तहलका को घर से निकाला गया था, तो अब कौन सा बड़ा एक्शन लिया जाएगा ईशा पे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको कितना इंतज़ार, आप किसको कर रहे हैं सपोर्ट, कॉमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।